हम ये चीज़ नहीं देखते कि एक्सक्यूज़ेस बनाने से या एक्सक्यूज़ेस देने से हमारा अपना ही नुकसान हो रहा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है एक तो ये कि आप फेलियर की तरफ जाते हैं, आपकी ग्रोथ रुकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी रुकती है, आपकी किसी काम पे एफिशिएंसी या इफ़ेक्टिवनेस रुकती है। जैसे अगर आप एक्सक्यूज़ बना के अभी तो आपने टाल दिया अपने काम, इसमें आपको ये बस अभी 2 घंटे में काम दे दूंगा, लेकिन क्योंकि आपकी एक्चुअल रीज़न ये थी कि आपने स्टार्ट ही नहीं किया था काम, अब 2 घंटे में आप वो फटाफट जो भी काम दोगे तो वो डेफिनेटली उतना उसकी वैल्यू उतनी क्वालिटी नहीं होगी। सेकेंड एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब आपके बड़े घर में एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं और जब बच्चे देख रहे होते हैं कि कैसे माँ बाप या बड़े आपके घर के या आपके बहन भाई कैसे बहाने मार रहे हैं या एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, और तो वो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं और आगे लाइफ में वही एक्सक्यूजेस बनाना सीखते हैं। एक बहुत कॉमन सी हम चीज़ करते हैं, ये बच्चों को सिखाते हैं कि जी झूठ नहीं बोलना, और उसमें हम फिर क्या करते हैं कि जब कोई दरवाजे पे आते तो हम कहते हैं जाओ बता दो घर पे नहीं है, जाओ उन्हें कह दो कि घर पे नहीं है, तो कि वो घर पे नहीं है। तो इसी तरह की चीज़ें वो सीख लेते हैं कि जी बिल्कुल झूठ बोलना इज़ फाइन। तो इसी तरह बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इवेंचुअली फिर वो बड़े होकर वही एक्शंस करते हैं एक्सक्यूज़ बनाना।